ऐसा भगवान जो प्रेम के लिए अपनी बहन को भी उसके प्रेमी के साथ जाने को कहता है। ये है हमारे देश की संस्कृति। निश्चित ही उस महाभारत के रचयिता कृष्ण को हम सब भूले नहीं होंगे अभी, लेकिन एक बात भूल जाते हैं कि इसी भारत में उनकी सभी बातों को बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी दुराव के खुल के लिखा, सारी बातें स्पष्ट लिखी। यदि उन्होंने किसी को धोखे से मरवाया तो लिख दिया, यदि उन्होंने स्त्रियों के वस्त्र चुरा के स्त्रियों का शरीर देखना चाहा तो लिख दिया। ये है हमारे देश की संस्कृति, सत्य बोलो और प्रेम करो, यही दो अपराध करने योग्य है। संस्कृति की बात करने वाले सुनना चाहिए उनको। मैं सबके बीच हर इंसान को आमंत्रित करता हूं कि प्रेम को लेके मैं हर इंसान से बात करने को तैयार हूं, चाहे भारत की अर्थव्यवस्था हो, चाहे भारत की गरीबी हो, चाहे भारत की बढ़ती जनसंख्या हो, हर चीज का समाधान सिर्फ एक चीज में छुपा है, प्रेम के सम्मान में। इस देश की एक समस्या और है, जनसंख्या। कभी आप लोगों ने सोचा कि ये जनसंख्या इतनी बढ़ती क्यों है? मैं आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। आप में से जितने भी लोग ऐसे किसी इंसान को जानते हो कि जिन्होंने प्रेम विवाह किया हो, तो मेरे पास लेके आना। यदि किसी प्रेम विवाह करने वाले के पास 5 बच्चे हो, किसी के नहीं होंगे। कोई प्रेम विवाह करने वाला व्यक्ति बच्चों की लाइन नहीं लगाता। कोई प्रेम करने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं होता जिसे बच्चों को बढ़ाने में रस हो। बच्चों को केवल तभी बढ़ाते हैं लोग जब उनको गरीबी मिलती है, उनको पीड़ा मिलती है और उनको प्रेम नहीं मिलता। इस देश की सभी समस्याओं की जड़ में हमें प्रेम का पानी डालने की जरूरत है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस देश की चाहे कितनी भी कर्जा हो, अगर देश के सारे प्रेमियों को तुम उनको प्रेम करने की स्वतंत्रता दो, तो हम तुम्हें 100% का टैक्स देने को तैयार है। इस देश का सारा कर्जा उतारा जा सकता है। कोई जरूरत नहीं है मैं किसी दुनिया के सामने हाथ फैलाने की, लेकिन क्या करें, हम सब की स्थिति यह है कि प्रेम का अपमान करते करते हर लड़का लड़की तुम लोगों के दमन के कारण 5 से 10 घंटे रोज अपनी प्रेमिका से बातें कर रहा है। टाटा के और रिलायंस के मोबाइलों में पैसा कमा के अंबार लगा दिया, लेकिन ये बच्चे जो है उसमें रिचार्ज कराते कराते थकते नहीं है। अगर इनको 5 मिनट की 10 मिनट की मिलने की आजादी दो, तो इनकी बचे हुए 5-6 घंटे हम देश के काम में लगा सकते हैं। लेकिन नहीं, तुम आजादी देना नहीं चाहते। जिस चीज का समाज विरोध करता है वो सब चीजें हो रही हैं, हर चीज हो रही है, लेकिन छुप छुप के हमने पूरे युवाओं को, पूरी युवाओं की टीम को हमने नपुंसक बना दिया। हमने उन्हें इतना डिवाइड माइंड बना दिया है कि वो अपनी बात कहने से घबराते हैं। तो इसलिए ये मंच है आपका। आप दिल के दर्द कहना चाहो, ये मंच आपको जगा देता है। आप अपनी खुशियां कहना चाहो, ये मंच आपको जगा देता है। और मान लेना, मुझे दुनिया का सबसे भ्रष्ट इंसान भी मान लेना तो चलेगा, लेकिन मैं अपनी बात कहे बगैर अब रुकने वाला नहीं हूं। बहुत समय से अपनी बात कही और आज आपको एक मिसाल स्वरूप बात बताना चाहता हूं। आज देश में राजनीति के अखाड़े इकट्ठे हो गए हैं, जहां देखो राजनीति के अखाड़े। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, अगर सारे प्रेमी इकट्ठे हो जाए तो क्या इतना बड़ा दल किसी का होगा? बताओ, जवाब दो। आज जो कांग्रेस की सरकार देश पे शासन करती है, आपको मालूम है उसके पास कितने वोट मिले थे? पिछले इलेक्शन में कांग्रेस को केवल 11 करोड़ वोट मिला था। केवल 11 करोड़ वोट से वो 125 करोड़ लोगों पे जो है अपना राज्य करती है। और जो पार्टी विपक्ष में बैठी है, भाजपा, उसको केवल 5 करोड़ वोट मिला था। मैं आपसे जानना चाहता हूं, इस देश में कितने युवा हैं? 125 करोड़ लोगों में 60% युवा हैं, इसका मतलब लगभग 70 करोड़। और 70 करोड़ में कोई भी शायद ऐसा नहीं होगा जिसका कहीं प्रेम संबंध ना हो या उसके दिल में किसी के लिए प्रेम की चाह ना उठती हो।
अगर ये 70 करोड़ लोगों में से भी 20% भी जग जाए तो 14 करोड़ होते हैं और इस देश में प्रेम का राज्य होगा। लेकिन सब अपने छुपे बैठे हैं, इसलिए बात हो नहीं पाती। बहुत आजकल टीवी पे हर विषय पे वोटिंग कराई जाती है। अगर यहाँ न्यूज रिपोर्टर मौजूद है तो वो मेरी बात सुने। और आज जाके शाम को टीवी चैनल पे एक रिसर्च करें कि प्रेमियों की संख्या ज्यादा है या और किसी भी धर्म के लोगों की। तो मैं समझता हूँ इतने एसएमएस उनके पास पहले कभी नहीं आए होंगे जितने आज आएंगे। ये पहली बार मैं इस मंच से कह रहा हूँ, आप प्रेमियों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जरूरत पड़ेगी तो हम प्रेम पार्टी भी बनाएंगे। इसलिए नहीं बनाएंगे कि हमें राजनीति करनी, हमें इसलिए बनाएंगे कि हम अपने बच्चों को वो समाज दे सके जहां प्रेम का सम्मान हो। आज मैं आपको एक अपने दिल की बात बताता हूं। मेरी खुद की बेटी 20 साल की है। जब वो 14 साल की उम्र की थी उसने मुझसे एक प्रश्न किया था। उसने कहा था, पिताजी आप कितनी संपत्ति मेरे लिए छोड़ के जाना चाहते हैं। मैंने कहा था, बेटा क्षमा करो, शायद मैं तुम्हें संपत्ति कुछ ना दे सकूंगा क्योंकि जो रास्ता मैंने चुना है इसमें संपत्ति नहीं मिलती, लेकिन पूरा प्रयास करूंगा कि तुम्हें एक ऐसा समाज दे सकूं जहां तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ जब सड़क पे निकलो तो कोई तुम पे अश्लील पत्ती ना कसे। ये मैंने अपनी खुद बेटी के लिए कहा है। जो लोग पूछना चाहते हैं क्या तुम अपनी बेटी को सम्मान देते हो, तो मैं कहता हूं मैं अपनी बेटी को सम्मान देता हूं। मैंने एक मूवी देखी थी आज से कई साल पहले, क्या कहना करके एक नाम था मूवी का। उसमें दिखाया गया था कि उसकी जो हीरोइन थी वो शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाती और उसमें फिल्म में अंत में उसका जो पिता था वो ये स्वीकार करता है कि मैं अपनी बेटी को स्वीकार करता हूं। तो पूरे टॉकीन में तालियां, उस बात पे सबने तालियां बजाई, सिर्फ मैं ही एक इंसान था जो चुप बैठा था, कोई ताली नहीं बजा रहा था, सब ताली बजा रहे थे। लोगों ने मुझसे पूछा, जो मेरे पास एक मित्र बैठा था उसने कहा आपने ताली क्यों नहीं बजाई। मैंने कहा इसलिए नहीं बजाई क्योंकि ये जो बात कह रहा है ये मेरे के अंदर कहने का साहस है और इन सब के अंदर नहीं है। कि जितने लोग ताली बजा रहे हैं इनके अंदर साहस नहीं है कि ये अपनी बेटियों को प्रेग्नेंट हो सके, देख सके शादी से पहले। लेकिन